Hi everyone. Hello and welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina and once again I am back with a new recipe. And my name is Hina and I'm from Delhi. So just a minute. Okay. तो आज की हमारी रेसिपी है कर्ड राइस. बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाइट. तो फेस्टिवल सीजन चल रहा है और अब इतने दिनों के बाद, फेस्टिवल के बाद हमारा दिल करता है कि हम कुछ लाइट खाएं, क्योंकि इतना हैवी हो चुका था ऑलरेडी. तो आज उसके लिए मैं ये एक आपके लिए बिल्कुल लाइट रेसिपी लाई हूँ. बहुत ही क्विक, फेस्टिवल के टाइम रिलैक्सिंग मूड रहता है. फेस्टिवल्स के बाद जैसे थक जाते हैं, काफी हैवी खाना खाया जाता है, तो उसके लिए अब मैं जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही लाइट है, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं बनाना जैसे मैं बनाती हूँ. तो सबसे पहले हम लेंगे राइस. अब ये राइस जैसे हम बनाते हैं, अगर आपके राइस बच गए हो रात को तो आप इसको मॉर्निंग में बना सकते हैं. तो इसके लिए राइस होना चाहिए, वो उसका दाना ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा गला हुआ दाना होना चाहिए, जैसे प्रेस करो तो बिल्कुल मशी हो जाए, उस टाइप का आपको राइस लेना है. तो कर्ड राइस बहुत ही हेल्दी डिश होती है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है. तो आज हम बनाएंगे कर्ड राइस. तो यहाँ कर्ड राइस बनाने के लिए मैंने लिया है प्लेन वाइट राइस, जो हमने पहले ही बॉईल करके रखा हुआ है. आप ओवरनाइट अगर आपका बचा हुआ वाला राइस हो और फ्रिज में पड़ा हुआ हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं. आपका कुछ बनाने का मूड नहीं है, फेस्टिवल में थक गए हैं और कुछ लाइट खाना है, कुछ हेल्दी खाना है, तो हम बनाएंगे इसे. तो कर्ड हम नॉर्मल लेंगे, जरूरी नहीं है आप खट्टा लें, क्योंकि खट्टे राइस से किसी किसी को सूट नहीं करता, गला खराब हो जाता है. तो आप नॉर्मल राइस लें रात को जमाया हुआ, और आप सुबह को कर्ड को राइस ले सकते हैं. आपको खट्टा लेने की जरूरत नहीं है कुसुम जी. नॉर्मल राइस लें, सॉरी नॉर्मल कर्ड लें. तो यहाँ पर मैंने अमूल का मस्ती दही लिया है और बहुत ही क्रीमी और रिच है ये. तो स्टार्ट करेंगे हम इसको बनाना. तो इसके लिए जो मैंने प्रेप किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बोल में राइस डाल दूंगी. ये 1 कप पका हुआ चावल है और इसको मैं डाल दूंगी, पके हुए चावल को. और इसको हम थोड़ा थोड़ा से मैश कर लेंगे तरीके से. अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही. ये 1 कप कर्ड है तो मैं इसमें सॉरी 1 कप दही लेती हूँ मैं इसमें. जितना हमारा राइस है हम उतना ही दही लेंगे इसमें, ऑलमोस्ट 1 कप. तो इसको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी और इसको सर्व, इसको कुक नहीं किया जाता, इसको कुक्ड राइस के साथ बनाया जाता है. बस इसके ऊपर हम देंगे तड़का और इसको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं इसमें कुछ चीजें डालूंगी, जैसे कि ग्रीन चिलीज. थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटा हुआ. बहुत ही सूदिंग ये डिश है और बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस और बहुत कम टाइम में बनने वाली. तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ग्रीन चिलीज, 1/2 ग्रीन चिली. थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी जिंजर ग्रेट करके, हल्का सा हम इसमें जिंजर डालेंगे, बहुत थोड़ा फ्लेवर के लिए जस्ट. और अभी हम कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे इसके ऊपर.
और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम बना लेंगे एक तड़का। तो यहाँ पर मैंने पैन गरम कर दिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल। और इसको हम गरम होने देंगे। फेस्टिवल्स में खूब हैवी खा लेते हैं, तो ये जो डिश है ये बहुत ही स्टमक सूदिंग है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हींग, और ये मैंने डाला है थोड़ा सा क्वार्टर स्पून उड़द दाल। इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे, थोड़ा ये रेड हो जाए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये राई, ये मस्टर्ड सीड्स हैं, ये जब क्रैक हो जाएंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी ये थोड़ी सी लाल मिर्च। जब आप जो इस मस्टर्ड सीड्स हैं स्प्लैटर करने बंद कर दें, आप इसमें ऐड कर दिए करी लीव्स। अब ये हमारा तड़का रेडी है, हम फ्लेम से उतार लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया और इसको मैं पोर कर दूंगी इस कर्ड राइस पे। और इसको हम करेंगे मिक्स। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये डिश बन जाती है और बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस, लाइट, न्यूट्रिशियस। तो बहुत ही फ्लेवरफुल ये डिश है। तो यहाँ हमने ये कर्ड राइस बना लिया है, अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। देख लेते हैं किस किसने ज्वाइन किया है। हाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो बहुत ही सिंपल डिश है। कौन कौन ये रेसिपी अपने घर में बनाता है वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। So, ये हमारा जो कर्ड राइस है ये रेडी हो गया है। आपको मैं दिखाऊं, बहुत ही इजी है, बहुत ही कंफर्टिंग फूड है। तो अब हम इसको करेंगे प्लेट। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी को भी अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में सर्व करेंगे, और इसको हमें सर्व करना है ठंडा, बिल्कुल चिल्ड, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। समर्स में तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं। इसको सर्व करूंगी मैं कुछ, मेरे पास यहाँ पर अनार के दाने हैं उनके साथ। और थोड़ा सा हम इसके ऊपर रख देंगे मिंट लीव्स। तो आप देखेंगे कि विद इन मिनट्स मैंने ये कर्ड राइस बना लिया है, और विद अमूल मस्ती दही। और आप इसको थोड़ा तड़का डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर और फ्रिज में रखें और इसको अच्छे से चिल्ड होने दें, उसके बाद आप इसको ऐसे सर्व करके खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही डिलिशियस है, मेरी तो फेवरेट रेसिपी है। और मैं इसको बहुत ऑफन अपने घर में बनाती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं और ट्राई करें, बहुत ही इजी है। तो कल फिर मिलेंगे। सॉरी, अभी मैं ब्रेक पे हूँ, अभी मैं फर्स्ट तक कोई लाइव सेशन नहीं करने वाली हूँ। तो लेट्स सी कि मैं कब दोबारा ज्वाइन करती हूँ। और आप लोग इसी तरीके से लाइव सेशंस देखते रहिए, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा पेज इज हीना वलेचा। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड माई यूट्यूब चैनल इज ऑल्सो हीना वलेचा। सो थैंक यू अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म,
एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग।